परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि आज के दिन प्रभु जी, आज के दिन तक परमेश्वर ने मुझे संभाला और आशीषित किया और ब्लेस किया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और मैं वचन पढ़ती हूँ परमेश्वर पिता कि जैसे कि वचन में लिखा है भजन संहिता 32 अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हाँ प्रभु जी, जैसे वचन में लिखा है प्रभु जी कि मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा, और सच में प्रभु जी मैंने अधर्म आपसे नहीं छिपाया परमेश्वर पिता। आज के दिन परमेश्वर जो भी मेरे जीवन में गलती है प्रभु जी, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस दया करके परमेश्वर अनुग्रह करिए परमेश्वर पिता। और जैसे कि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हाँ प्रभु जी, लॉर्ड जीसस आपने मेरे लहू बहाया प्रभु जी, मेरे पापों के खातिर आपने क्रूस पर चढ़े हैं परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस आज दया करके मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। आत्मग्लानी से आज मैं भर चुकी हूँ परमेश्वर पिता, पूर्ण रीति से मुझे शुद्ध कीजिए, साफ कीजिए प्रभु जी। मैं पापी हूँ परमेश्वर पिता, आज मुझे पूर्ण रीति से पवित्र और शुद्ध कीजिए। जैसे आप पवित्र हैं वैसे मुझे पवित्र कीजिए परमेश्वर पिता। और जिन लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, और जो सचमुच में परमेश्वर पिता जो मन फिराना चाहते हैं, जो पापों की क्षमा मांगना चाहते हैं, इस प्रार्थना के जरिए परमेश्वर पिता उन लोगों को के भी पापों को क्षमा कर दीजिए परमेश्वर पिता। उन पर दया कीजिए परमेश्वर पिता, अपना अनुग्रह वाला हाथ आज उनके ऊपर बढ़ाइए और उन लोगों के ऊपर दया कीजिए। आज तरस खाइए परमेश्वर पिता, लॉर्ड जीसस, क्योंकि परमेश्वर पिता आप हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता। और जैसे कि वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ परमेश्वर पिता, इस वचन के अनुसार, इस वचन पे हम विश्वास करते कि आपने अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए दे दिया और हम सब के लिए दे दिया परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस हम सारे संसार के सब लोगों के लिए दे दिया परमेश्वर पिता, ताकि जब हम उस पर विश्वास करें तो वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम अनंत जीवन चाहते हैं परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस दया कीजिए प्रभु जी, आज के दिन हमें ब्लेस कीजिए और आशीषित कीजिए परमेश्वर। सारे अपराधों को प्रभु जी, जो भी मैंने झूठ बोला है परमेश्वर, या मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, जो मैंने प्रभु जी किसी को प्रभु जी मैंने या फिर जानबूझकर के हर्ट किया है, दुख दिया है, इसके लिए भी परमेश्वर मुझे क्षमा करना परमेश्वर पिता। दया करके मेरे सारे अपराधों को क्षमा करना, या किसी का हमने चोरी किया है, या हम किसी के वस्तु के लालच, किसके लिए भी हमें क्षमा करना प्रभु जी। धोखा से किसी के सामान को ले लिया, या हमने किसी को धोखा दिया प्रभु जी, या गलती से ऐसा कुछ हो गया, तो इसके लिए भी हमें माफ़ कीजिए प्रभु जी। अपने लहू से अशुद्ध और पवित्र कर दीजिए प्रभु जी। दया कीजिए परमेश्वर पिता, या और प्रभु जी जो भी हमने किसी की भी चुगली की, इसके लिए भी हमें माफ़ करना परमेश्वर पिता। या फिर परमेश्वर पिता, हमने जो कुछ भी परमेश्वर आपके आज्ञा नहीं माना है वो भी पाप है परमेश्वर पिता। आपका आज्ञा न मानना यह सबसे बड़ा पाप है। और मैंने ऐसे बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर, जो आपने आज्ञा दी थी उसमें से मैंने बहुत सारी बातों का आज्ञा का पालन नहीं किया, इसके लिए भी परमेश्वर मुझे माफ़ करना परमेश्वर, दया करना परमेश्वर पिता। और जो लोग परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं उन लोगों के ऊपर भी दया करके उन लोगों को भी माफ़ करना परमेश्वर पिता। तनों के पर रहम कर, दया कर प्रभु जी, अनुग्रह दे के चलाइए परमेश्वर पिता। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और सचमुच आपका वचन ही कहता है कि यदि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे परमेश्वर पिता। जो वचन में लिखा है इसको क्लेम करती हूँ परमेश्वर पिता, चाहे मेरे पाप लाल रंग के हो और वो उजले हो जाएंगे, हिम के समान उजले हो जाएंगे परमेश्वर पिता। और जीवन के पुस्तक में जो प्रभु जी मेरा नाम, मेमने की पुस्तक में मेरा नाम लिखा हुआ हो आज यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता, दया कर अपने लहू से मुझे पवित्र करिए और शुद्ध करिए। अपने लहू से छुटकारा दीजिए और आपकी असीम कृपा और शांति दीजिए। आज मेरे आत्मा को
पूर्ण रीति से अभिषेक से भर दीजिए, आशीष से भर दीजिए, पूर्ण रीति से परमेश्वर छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता लॉर्ड जीसस, दया कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे अपराधों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, ऐसा आपका वचन कहता है। हाँ प्रभु जी, हम आपके सारे प्रभु जी हम अपने सारे पापों को हम मान लेते हैं परमेश्वर पिता, आपके सामने रखते हैं, वो वेदी पे चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता, हम पर दया कर, हमें इन सारे पापों से छुटकारा दीजिए प्रभु जी, और आगे को हम पाप न करने पाए ऐसा हमें अनुग्रह दीजिए, विशेष अनुग्रह दीजिए, कृपा दीजिए, आपकी अनुग्रह की मुझे बहुत आवश्यकता है प्रभु जी। और जन प्रार्थना को सुन उन लोगों के ऊपर भी दया करें कि वो पाप को छोड़ सके, जो शराब पीते वो शराब छोड़ सके, जो सिगरेट पीते वो सिगरेट छोड़ सके, यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, लॉर्ड जीसस हालेलुया प्रेज़, जो अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानते प्रभु जी, आज उन लोगों के ऊपर दया करके उन लोगों को आशीष दीजिए कि वो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें परमेश्वर पिता, अपने भाई बहनों के साथ प्रेम के साथ रहने पाए यीशु मसीह के नाम से, कोई परमेश्वर पिता लड़ाई झगड़ा की आत्मा कोई भी न रहने पाए, डांटते सारे लड़ाई झगड़ा की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से चली जाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो कोई इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, लोगों के घर में शांति है, उन लोगों के घर से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, उन लोगों के सारे अपराधों को क्षमा कीजिए परमेश्वर, क्योंकि जब हम पाप करते हैं तभी परमेश्वर पिता लॉर्ड जीसस ये सारे परमेश्वर हम शैतान को मौका देते हैं, ये अशांति का आत्मा जो है वो सबको मैं डांटती यीशु मसीह के नाम से चले जाए, लड़ाई झगड़ा की आत्मा चली जाए, शराब पीने की आत्मा चली जाए, चुगली करने की आत्मा चली जाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो कर्जे में डूबे हुए हैं उनके सारे कर्ज से परमेश्वर छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता, और वो शांति और सुकून की जीवन बिता सके। जो लोन चल रहा है किसी भी प्रकार का लोन क्यों ना चल रहा है, उस सबसे परमेश्वर पिता उनका लोन से परमेश्वर अद्भुत गवाही वाला जीवन दीजिए प्रभु जी, कि लोन से छूट लोन सारा कंप्लीट हो जाए परमेश्वर पिता, दया कीजिए। आप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं प्रभु जी, आप दया कीजिए, आप दया कीजिए परमेश्वर पिता लॉर्ड। जो भी अशांति हुई है, जो भी गड़बड़ी का आत्मा है, सब पापों के कारण आता है प्रभु जी, सारे पाप चली जाए यीशु मसीह के नाम से, छोड़ कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से, हम माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर पिता, इन लोगों के जीवन से पाप छोड़ कर जाए इसी वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रभु जी, दया कीजिए, अभिषेक दीजिए, ब्लेस किसी, आपकी असीम कृपा शांति दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, आपका लहू परमेश्वर उंडेल दीजिए परमेश्वर पिता, दया कीजिए प्रभु जी, शांति का परमेश्वर आज आप दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, विश्वास करते कि आपने सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है परमेश्वर पिता, आपका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। और वचन में भी हम परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर वचन में बाइबल में लिखा है कि उदिया चल अस्ता चल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। हाँ प्रभु जी, सच में आपने दूर कर दिया है, जब हमारे जीवन से पाप खत्म हो जाएंगे तो हमारे जीवन में शांति कृपा आएगी, अभिषेक आएगा, शांति आएगा, सुकून आएगा, और जितने भी पाप के जो आत्मा है और जो भी जो शैतान जो डालता है हमारे जीवन में परमेश्वर, सारे काम खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हर एक शैतानिक काम को डांटते यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आज से, अभी से, इसी वक्त से हमारी अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता, जो भी वच प्रार्थना को सुन रहा है उन लोगों को की भी अगुवाई करिए परमेश्वर पिता, वो पवित्र आत्मा का और वो सत्य का आत्मा दीजिए अगुवाई करने के लिए परमेश्वर पिता। आप ही सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं, हम जीरो हैं परमेश्वर पिता। दया कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए परमेश्वर पिता, जैसे कि वचन में लिखा है प्रभु जी, भजन संहिता 32वां अध्याय में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हाँ परमेश्वर पिता, आपने हमारे सारे अपराधों को परमेश्वर पिता ढांप दिया है, कि और हम धन्य हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है परमेश्वर पिता लॉर्ड जीसस। दया करो, दया करो, कितने लोग ऐसे हैं परमेश्वर पिता जो जो लोग करा रहे हैं आत्मा में परमेश्वर पिता, और वो परमेश्वर उन लोगों के मन में बेचैनी है, उन लोगों के आत्मा में शांति नहीं है, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उनके सारे अपराधों को क्षमा करके
आज उन लोगों को शांति दीजिए परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस, जो परमेश्वर पिता जो आत्मा में ग्लानी है परमेश्वर पिता, जो रो रहे हैं इस वक्त रो रहे हैं, आज उनको ब्लेस करो, आज उनके सारे अपराधों को क्षमा करो। प्रभु जी आपका वचन में लिखा है कि परमेश्वर पिता मैं थके हुओं को परमेश्वर पिता मैं सहारा देता हूँ, परमेश्वर पिता अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, ऐसा वचन लिखा है। प्रभु जी हम अपनी चिंता आप पर डालते परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस दया करो अनुग्रह के द्वारा आज छुटकारा दो प्रभु जी। और वचन में लिखा है कि इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचे। कि इस वचन को क्लेम करते हैं परमेश्वर पिता और हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता लॉर्ड जीसस कि जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं वो सब चली जाए। और वचन में लिखा है कि जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँच सकेगी। और जितने भक्त हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, जितना उद्धार पा चुके हैं परमेश्वर पिता, उन लोगों से परमेश्वर सारी परेशानी को दूर कर दिया है। और यदि जो आने वाली है परेशानी उसको कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में इन द नेम ऑफ जीसस, उनके पास कोई भी परेशानी ना पहुंचने पाए। ओके परमेश्वर पिता वो सारी चीज़ों को हम कैंसिल करते हैं परमेश्वर। जो भी समस्याएं यदि आने वाली तो सारी समस्याओं को वहीं पर रोक देते हैं और कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो समस्या या परेशानी या दुख या कठिनाई किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी अब दयालु पिता परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन में लिखा है कि और उसको हम क्लेम करते हैं कि तू मेरे छिपने के स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हाँ प्रभु जी आपने छुटकारे के गीतों से घेर लिया। और वचन में लिखा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। प्रभु जी हमें नहीं पता किस मार्ग में चलना है, लेकिन आप हमें बुद्धि दीजिए कि हमें किस मार्ग पर चलना है परमेश्वर पिता। यदि जो परमेश्वर बुद्धि देगा और हम परमेश्वर की बातों को मान के हम चलेंगे तो कोई संकट, कोई दुख, कोई परेशानी हमारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि यदि परमेश्वर हमें गाइड करेगा तो कोई भी शैतान शक्ति उस पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कुछ भी नहीं कर सकता परमेश्वर पिता। और हम किसी पर विश्वास नहीं करते, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और राह से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। प्रभु जी दया करो। और वचन में लिखा है कि हे धर्मी यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार। प्रभु जी हाँ प्रभु जी हम आनंद से आपका जय जयकार करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। इस रात के समय प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमारे सारे अपराधों को आपने क्षमा किया है, हमारे सारे जितने भी दिल पाप लाल रंग के उसको आपने हिम के समान श्वेत कर दिया, हमारा नाम प्रवेश मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा गया है प्रभु, जिसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जब हम मन फिर आते हैं परमेश्वर पिता और जब अपने पापों को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं तो परमेश्वर वो आशीष आती है परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस आपने सचमुच आप महान परमेश्वर हैं, आप राजाओं का राजा परमेश्वर है। जितने इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी उन लोग के जीवन को ब्लेस कीजिए और आशीषित कीजिए, वो जैसे हैं वैसे नहीं बल्कि आशीषित होकर बदल जाए। यदि वो बीमार में बैठे तो इसी वक्त इस प्रार्थना को रिसीव करें, परमेश्वर छुटकारा और चंगाई देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी दया करो चंगाई की आत्मा आने पर यीशु मसीह के नाम, वो अभिषेक वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह वो आत्मा और अभिषेक कुंडल दीजिए परमेश्वर पिता, इन द नेम ऑफ जीसस का दया करो अभिषेक दो प्रभु जी। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लोक जय। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम रिसीव करते हैं, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी हाँ प्रभु जी आपने अचंगाई का आत्मा दिया इसके लिए धन्यवाद करते हैं, अपने छुटकारे का आत्मा दिया इसके लिए धन्यवाद करते हैं, अपने ब्लेस किया इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस रात के समय परमेश्वर पिता हमारी सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जब हम सोने जाते हैं तो प्रभु जी रात को अच्छी मीठी नींद देना परमेश्वर पिता, और जब हम सोते हैं तो परमेश्वर हमारे कोई भी गलत सपने ना आए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह के नाम में सारे बैड स्वप्न वो चले जाए यीशु मसीह के नाम से, और हमें स्वर्गीय सपने आने पाए। हमसे आज स्वप्न में दर्शन के द्वारा बातचीत कीजिए प्रभु जी, और स्वप्न के द्वारा आज हमसे बात कीजिए और हमारी अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस आप सब कुछ कर सकते हैं, और शांति दीजिए, अभिषेक दीजिए और आशीष दीजिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते कि हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। जो भी परिवार में है सब लोगों पर उनके परिवारों को ब्लेस करो और आशीषित करो, एकजुट होकर रहें परमेश्वर पिता, मिल के रहने पाए, शांति दीजिए। और
जितने भी लोग हैं सब लोग परिवार में पारिवारिक प्रार्थना करना भी शुरू करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर उनसे बात करें। परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक भेजिए। परमेश्वर पिता हमारी सारी प्रार्थना को सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन।